हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल फैशन स्टडी में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। यहाँ पे मैं एक ज़रूरी चीज़ बताना चाहती हूँ आप लोगों को, जो बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक कर रहे हैं। यहाँ पे मिस्टेक स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं वो देखिए, मैं आप लोगों को बताती हूँ और उस चीज़ से आप लोग थोड़ा सा सावधान रखिएगा। देखिए, जैसा कि आज आप लोगों को पता ही है कि मैं अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को बता चुकी हूँ कि जो निम्मी की न्यू अपडेट आई है वो क्या आई है आप लोगों के लिए। वो आई है कि आज आप 12 बजे तक ही क्या कर सकते हैं, फीस पेमेंट कर सकते हैं। ठीक, आप फीस पेमेंट 12 बजे तक कर सकते हैं और 3 बजे तक आप क्या कर सकते हैं, 3 बजे तक आप अपने कॉलेज को ऊपर नीचे कर सकते हैं। 3 बजे आपका कॉलेज क्या होगा, फ्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, 3 बजे कॉलेज जरूर आपका फ्रीज होगा, लेकिन आपका लॉक हो जाएगा 3 बजे कॉलेज। लेकिन इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि 3 बजे का टाइमिंग दिया है। अब ये मत गड़बड़ी करिएगा आप लोग कि 3 बजे, ठीक है, 3 बजे आप लोग क्या करिएगा, अपना कॉलेज ऊपर नीचे करना शुरू कर दीजिएगा। पता चला कि वेबसाइट तुरंत के तुरंत बंद हो गई और 3 बजे जहाँ पे आपने जो कॉलेज ऊपर नीचे चेक कर रहे थे आप, वहीं पे क्या हो गया, वो लॉक हो गया। क्योंकि ऐसा केस हर साल 2-4 केस मेरे जो है सुनाई में ज़रूर आता है कि हम लास्ट टाइमिंग पे ऐसा कर रहे थे, मेरा कॉलेज वहीं का वहीं लॉक हो गया। तो मेरा ये मानना है कि अभी आप लोग जो है अपना जितना जल्दी हो सके डिसाइड करके कॉलेज वहीं के वहीं लॉक करके छोड़ दीजिए अपना कॉलेज। आप कुछ भी टच मत करिए ऊपर से नीचे, क्योंकि आप लोगों को पोजीशन दिखी जाएगी 11-12 बजे तक कि कहाँ पे मेरा कॉलेज मिल रहा है, कहाँ पे जो है उम्मीद है, कौन से कॉलेज को हमको फर्स्ट पे रखना है, सेकेंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे, फिफ्थ पे। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, बहुत सारे कि दिन में उसको 100 बार चेक कर रहे हैं तो वो क्या हो रहा, ऊपर नीचे हो ही नहीं रहा है। आप ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट के साथ में ये प्रॉब्लम है। तो बेटा, मेरी यही एडवाइस है कि 3 बजे तक आप लोग, 3 बजे तक क्या, 3 बजे से पहले पहले कोशिश यही करिए कि आप लोग अपना कॉलेज जो भी है सिलेक्ट कर लीजिए। नहीं तो लास्ट टाइमिंग पर सर्वर की आज प्रॉब्लम रहेगी, सर्वर डाउन हो गया और कोई प्रॉब्लम होगी तो आपका कॉलेज वही कभी अटक जाएगा देखने के चक्कर में। और दूसरी बात देखिए, एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉलेज, अगर कोई कॉलेज चॉइस किया है, जैसे ये जिसका है, इन्होंने नोएडा पहले चॉइस किया, फिर इलाहाबाद चॉइस किया, थर्ड नंबर पे जयपुर चॉइस किया, फोर्थ पर बड़ोदरा और फिफ्थ पर इंदौर चॉइस किया। ठीक है, इन्होंने अपनी 5 के 5 कॉलेज इस तरीके से चॉइस की है। अब देखिए, यहाँ पर अगर रैंक की बात की जाए तो अगर नोएडा की देखी जाए तो नोएडा में जर्नल की 14 सीट है, अपोजिशन क्या है इनकी 26 चल रही है। एससी की बात की जाए तो एससी की 6 सीट है, अपोजिशन 2 पे चल रही है। अब देखिए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी हैं, पोजीशन का मतलब देखिए, येल्लो का मतलब, येल्लो ग्रीन का मतलब भी समझ लीजिए, येल्लो का मतलब है कि आप रैंक से ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, आप रैंक से ऊपर जा रहे हैं, और ग्रीन का मतलब है कि आप रैंक के अंदर, मान लीजिए 6 सीट है तो 6 सीट में आप दूसरी सीट पर चल रहे हैं तो रैंक आपकी अच्छी जा रही है। यहाँ पर आपकी 14 सीट है और 26 नंबर पर, तो कहीं ना कहीं आप देखिए, कहीं ना कहीं आप जो है ऊपर बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अभी अपना 1000 रुपये का फीस पेमेंट नहीं किया है। अब उन स्टूडेंट के लिए मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं सोच रहे हैं कि हमारे कम नंबर है, सिर्फ हम कॉलेज चॉइस करके देख लें कि अपना रैंक कहाँ जा रहा, ऊपर जा रहा, नीचे जा रहा है। ठीक है, ठीक है, मैं आप लोगों को बताती हूँ, जिनका कम नंबर है, एकदम कम वालों के लिए नहीं कह रही हूँ, जिनका कम है, लाइक दैट 50 है, 45 है, ठीक है, और इस टाइप से नंबर है, उसके आसपास नंबर है, 55 नंबर है, तो बहुत सारे स्टूडेंट देख देख के छोड़ दे रहे हैं। अब वो कह रहे हैं हम सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, अब देखिए, मेरी अपनी पर्सनल एडवाइस, मैं आप लोगों को किसी को फोर्स नहीं कर रही, सिर्फ पर्सनल एडवाइस अपना दे रही। देखिए, जब आप लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि आप लोगों को सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है तो, और आपकी कहीं ना कहीं रैंक भी थोड़ी बहुत ठीक ठाक जा रही है, आपने 5 कॉलेज, तो देखिए मेरा ये मानना, अगर आप लोगों ने 1000 रुपये पेमेंट नहीं किया है और आप सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, मैं देखिए एकदम कम नंबर वालों को बार बार कह रही, फिर वही चीज़ आप लोग मैसेज करके पूछेंगे, पूरी वीडियो अच्छे से देखेंगे, समझेंगे नहीं, स्क्रिप्ट कर देते हैं वीडियो को, पूरी वीडियो देखिए समझिए। अगर आप लोग 1000 रुपये पेमेंट करना ही है आपको सेकंड काउंसलिंग में, तो क्यों ना ये फर्स्ट काउंसलिंग से ही ट्राई किया जाए। जब 1000 रुपये वन टाइम ही पेमेंट करना है, एक टाइमिंग में आप पेमेंट करेंगे 1000 रुपये, आप फर्स्ट काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे, सेकंड में भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, थर्ड में मोपअप में भी करना हो, आपको ट्रांसफर राउंड भी करना हो, सिर्फ आपको 1000 रुपये ही दे के सब काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट करना कर पाएंगे, तो क्यों ना हम फर्स्ट से ही ट्राई करना शुरू कर दें। हो जाता है, देखिए
एक चीज और ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप इस चीज का ध्यान दीजिए, लिखा हुआ ना, सीट्स आर टेंटेटिव एंड डायनेमिक मे चेंज ड्यूरिंग सीट अलॉटमेंट। देखिए यहाँ पे ये अनिश्चित है, सीट्स जो आपकी दिख रही अनिश्चितकालीन है, ठीक है। लास्ट टाइमिंग में बहुत सारे बच्चे रहते हैं, उनकी रैंक नहीं अच्छी दिखा रही, छोड़ दिया, ठीक है, कॉलेज को, तो इस चीज़ का जो है क्या होता है, वहाँ सीटें खाली चल जाती हैं। तो कहीं ना कहीं आपको कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स को उम्मीद भी नहीं होती कि मुझे ये कॉलेज मिल जाएगा, रैंक से बहुत ऊपर जा रहे होते, ठीक है, लेकिन क्या होता है, बहुत सारे बच्चे लास्ट टाइमिंग पे रैंक देख के कि हमारा इतना ऊपर जा रहा है, छोड़ देते हैं कॉलेज को, तो दूसरे बच्चे को वो सीट मिल जाती है। तो देखिए वैसे तो आपकी इच्छा है, फिर भी मैं एक बार एडवाइस दे रही कि अगर आपने सेकेंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का सोचा है तो फर्स्ट से कोशिश करिए, ठीक है, फर्स्ट में ही आप क्या करिए, फीस पेमेंट कर दीजिए। आप करना चाहे तो ये मत कहिएगा स्वीटी मैम ने कह दिया था जबरदस्ती कि 1000 रुपये पेमेंट कर दे, ठीक है। अगर आपकी चॉइस का कॉलेज नहीं मिलता है, आपने फर्स्ट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया, आपके पता चला कि आपकी जो चॉइस थी वो चॉइस नहीं मिली, आपका मन कर रहा है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाइए, ट्रांसफर में पार्टिसिपेट करिए। अगर वो भी मन नहीं कर रहा तो आप छोड़ दीजिए, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन मत करवाइए, आप क्या करिए सेकेंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए। सेकेंड काउंसलिंग में भी वो चॉइस नहीं मिल पा रही तो आप क्या करिए थर्ड में पार्टिसिपेट करिए। 1000 रुपये आपको पेमेंट सिर्फ एक ही बार करना है ना, तो आप फर्स्ट काउंसलिंग को क्यों छोड़ेंगे, ठीक है, फर्स्ट काउंसलिंग को क्यों छोड़ेंगे। अब देखिए किसी किसी के नंबर क्या है, बहुत ही कम है, किसी के 20 है, आप 30 है, 32 है, और वो जो है कॉलेज भी नहीं चॉइस कर पा रहा है। तो देखिए उसके लिए तो यही एडवाइस है कि आप लोगों का तो 1000 रुपये पेमेंट करना बेटा बेकार है, आप लोग फिर से तैयारी करिए, नेक्स्ट ईयर क्या करिए फिर से एग्जाम दीजिए। और तैयारी करने के लिए जनवरी से मेरे पास में ऑनलाइन क्लासेस एंट्रेंस एग्जाम की स्टार्ट हो ही जाएंगी, तो आप लोग दिए गए संपर्क नंबर पर 97-21-72-1575 इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके ऑनलाइन क्लासों को ज्वाइन करके आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं एंट्रेंस एग्जाम की। और देखिए जिनके भाई सही नंबर है थोड़ा, वो तो फर्स्ट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे, और जो मीडियम वाले हैं वो अगर सोच में पड़े हैं और वो कॉलेज देख रहे हैं तो भाई सेकंड काउंसलिंग से अच्छा तो मैं तो यही एडवाइस दूंगी फर्स्ट में भी ट्राई करिए। आप लोग नहीं लेना होगा कॉलेज मत लीजिएगा, कोई फोर्स थोड़ी नहीं कर रहा है कि नहीं आप कॉलेज 1000 रुपये जमा कर दिए तो आप कॉलेज ले ही लीजिए, ठीक है। इन सभी चीज़ों का आप लोग ध्यान रखिएगा और अपनी पोजीशन का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं बार बार कॉलेज को क्या करें ऊपर नीचे करें, एक दिन में कई कुछ कुछ स्टूडेंट तो कह रहे 50 बार 100 बार 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 पूरा दिन भर फोन लेके अपना बैठे हुए ऊपर नीचे करे। तो देखिए इस तरीके की हरकतें मत करिए बिल्कुल, आप लोग 2 बार 4 बार 6 बार चेक करिए, 10 बार चेक कर लीजिए, पर इतनी बार पूरा दिन में पता चला कि वहीं पे वो अटक गया सर्वर की वजह से या कोई और प्रॉब्लम हुई, फिर आप लोग कहेंगे कि हमने तो ये कॉलेज चॉइस किया था फिर ये कॉलेज किस तरीके से मिल गया, ठीक है। तो इन सब अब फिर बता देती हूँ, 3 बजे लास्ट टाइमिंग है आपके कॉलेज को लॉक होने की, उस टाइमिंग पे कोई भी अपने कॉलेज को ऊपर नीचे एकदम लास्ट टाइमिंग पे मत करिएगा, नहीं तो फिर वही प्रॉब्लम। और देखिए एक चीज़ और ध्यान रखिएगा आप लोग, बहुत ध्यान नहीं बल्कि बहुत ध्यान रखिएगा, लास्ट में स्टूडेंट क्या होते हैं इसी चीज़ के लिए परेशान होते हैं और फिर क्या करेंगे मैसेज करेंगे कि अब मैम क्या करें अब क्या करें। देखिए सबसे बड़ी चीज़ जैसे यहाँ पे इनका फर्स्ट चॉइस NSTIW नोएडा है, ठीक है, सीट पोजीशन आप देख रहे हैं 14 सीट है और 26वीं पोजीशन है, यहाँ पे सीट क्या 6 है और दूसरी पोजीशन है, ठीक है। यहाँ पे ये जिस कैंडिडेट का ये SC से है तो इनकी तो पूरी की पूरी इनकी सीट 6 है और ये क्या है ये सेकंड पोजीशन पे चल रही तो इनकी तो पूरी की पूरी मिलने की उम्मीद है। अब देखिए मिस्टेक कहाँ कर रहे स्टूडेंट, अब देखिए अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है कि इसकी रैंक ठीक है यहाँ पे 14 दिखा रही है यहाँ पे क्या है 26 है, तो वो क्या कर रहा है अपनी फर्स्ट चॉइस फटाक से चेंज कर दे रहा, तुरंत वो फर्स्ट चॉइस को क्या कर दे रहा चेंज करके मान ली गया उसकी सेकंड चॉइस इलाहाबाद है उसको फर्स्ट पे कर दिया, ठीक है, या फिर यहाँ पे उसकी जयपुर है तो उसने इसको फर्स्ट चॉइस पे कर दिया, नोएडा जो वो पहले नंबर पे लेना चाहता उसको क्या कर दिया सेकंड पे कर दिया थर्ड पे कर दिया, पता चला उसको इलाहाबाद अलॉट हो गया या फिर जयपुर अलॉट हो गया, मैं एग्जांपल दे रही हूँ। तो देखिए अब वो क्या चाह रहा है उसको फर्स्ट चॉइस अलॉट हो गया, ठीक है, उसको फर्स्ट चॉइस मिल भी गया उसकी रैंक अच्छी जा रही थी उस कॉलेज में मिल गया, अब वो चाह रहा है कि अब मेरा नोएडा में ट्रांसफ़र हो जाए। तो देखिए ये नहीं होगा बेटा आप लोगों का,
अगर ट्रांसफर भी कब होगा, सोच समझ के आप लोग काम करिएगा, ट्रांसफर भी कब होगा, जब आपको आपकी फर्स्ट चॉइस नहीं मिलेगी, ठीक है। और चाहे आपने गलती से ही चॉइस कर लिया, मान लीजिए यहाँ पे इलाहाबाद है, सेकंड नंबर पे जयपुर है, बड़ोदरा है, और आपने सिर्फ जो है इसलिए कि आपकी रैंक अच्छी जा रही थी, आपने चॉइस कर लिया इन सब कॉलेज में से, ठीक है, कोई सा भी, और पता चला कि आपको ये कॉलेज अलर्ट हो गया, फिर आप कह रहे कि नहीं हमारे घर से तो भैया नोएडा पास पड़ता, हमको हमारी तो फर्स्ट चॉइस नोएडा थी, तो ठीक है, आपने जो कॉलेज फर्स्ट नंबर पे डाला है अगर वो कॉलेज आपको मिल जाएगा तो आपका ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा, आप ट्रांसफ़र में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। और देखिए एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ लीजिए, बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा, अगर आपने यहाँ पे नोएडा डाला हुआ है, ठीक है, और नोएडा आपको नहीं मिलता है, आपको मिल जाता है इलाहाबाद, मिल जाता है आपको जयपुर, मिल जाता है कोई भी कॉलेज इस टाइप से, आपका सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ कोई भी कॉलेज मिल जाता है, तब आप नोएडा में ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी फर्स्ट चॉइस आपको नहीं मिली है। अगर फर्स्ट चॉइस आपकी मिल जाती है तब क्या होगा, आप ट्रांसफ़र में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर आपकी नहीं मिलेगी तब तो आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे, ठीक है, फर्स्ट चॉइस, अगर मिल गई तब नहीं पार्टिसिपेट कर पाएंगे, चाहे आपने गलती से कॉलेज डाला या जानबूझ के फर्स्ट नंबर पे। तो इस सभी चीज़ों का ध्यान रखिएगा, मैं तो यही एडवाइस दूंगी, फर्स्ट चॉइस को आप लोग फर्स्ट नंबर पे ही रखिए, बाकी जो आपकी चॉइस है वो सेकंड थर्ड फोर्थ नंबर पे रखिए, कि अगर आपको फर्स्ट चॉइस नहीं मिली तो कम से कम आप ट्रांसफर में पार्टिसिपेट तो कर पाएंगे, ठीक है, अगर आप करना चाहे तो। अदरवाइज आप अपना फर्स्ट चॉइस आपको नहीं मिल रहा, सेकंड काउंसलिंग में आप क्या करिएगा, पार्टिसिपेट करिएगा, ठीक है। इन सभी चीज़ों का आप लोग ध्यान रखिएगा और लास्ट टाइमिंग पे ये सब गलतियां मत करिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट ये गलतियां कर रहे हैं, और फिर जब निकल जाएगा रिजल्ट तो फिर क्या करेंगे, पछताएंगे कि हमने ये गलती कर दी। और हर साल मेरे पास इस टाइप के केस बहुत आते हैं, तो इसी नाते मैं आप लोगों को पहले से अलर्ट कर देती हूँ, ठीक है। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लग रही होगी, वीडियो अच्छी लग रही होगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जो लोग चैनल पर पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो डलते ही तुरंत की तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए CITS की हर एक अपडेट के लिए, छोटे से लेके बड़े तक के, एंट्रेंस एग्जाम से लेके फाइनल तक एग्जाम तक की हर एक अपडेट के लिए कंटिन्यू बस चैनल के साथ में बने रहिए। जल्दी ही मिलती हूँ एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ में, इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।